तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट बताने वाला हूँ दोस्तों। सैमसंग गैलेक्सी के अंदर जैसे कि सैमसंग की गैलरी ऐप मिलती है, तो उसके अंदर एक नया अपडेट क्या है, नए अपडेट से क्या है, नए चेंजेस किए गए, उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले। चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ गैलरी के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए चले जाना है आपको अपने मोबाइल की यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाएंगे तो ही आपको दिख जाएगा अपडेट, यहाँ पर अपडेट्स के अंदर आपको दिख जाएगा सैमसंग गैलरी का अपडेट अवेलेबल है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप गैलरी में जाके अबाउट उसमें जाके भी वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया 5 फरवरी 2024 को, जिसका अपडेट साइज है 39.50 MB का। यहाँ पर वैसे कुछ नए चेंजेस नहीं किए गए, बट इस अपडेट में परफॉर्मेंस को इनहांस किया गया है। और एडिट अगर आप फोटो करते हैं, एडिट फोटो करते हैं, तो उसके अंदर भी परफॉर्मेंस को इनहांस कर दिया गया है। ओवरऑल बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें जो भी बक्सेस है उसको यहाँ पर फिलअप किया गया है या बक्स को फिक्स किया गया है, और साथ में कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी यहाँ पर किए गए होंगे। तो पहले होने देते हैं इसको अपडेट, फिर चेक करते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको कर लेना है इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको क्या करना है, अपनी कोई भी फोटो या अपनी, अब पहले तो आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। परफॉर्मेंस में यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस यहाँ पर मस्त चल रही है, कोई इशू नहीं दिख रहा है। यहाँ पर यहाँ 3 डॉट्स पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ नया चेंजेस नहीं दिख रहा है। और अब मैं अगर अपनी किसी फोटोज़ को ओपन कर लूँ, अब मान लो मैंने कोई भी अपनी फोटो को ओपन कर लिया और अब मुझे इसको एडिट करना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एडिट के अंदर आपको अच्छे फीचर्स मिलेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को भी इनहांस कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कुछ नया यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहले ये नहीं आता था, अब इसमें कुछ नया दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट इरेजर दे दिया गया साइड में ही, पहले ही ये जो कि अंदर तरफ आते थे अब उसको यहाँ पर चेंजेस कर दिए गए, वो आपको यहाँ बाहर की तरफ दे दिया गया। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट इरेजर। कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको इरेज करना है तो वहाँ सेलेक्ट करना है और वो ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। जैसे मुझे ये ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, मैंने सेलेक्ट करा और इरेज पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे वो ऑब्जेक्ट वहाँ से इरेज हो जाएगा। आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये फीचर काम करता है। उसके साथ देखेंगे लेजो, तो ये यहाँ पर टैप और ड्रॉ अराउंड एनीथिंग यू वांट टू कीप इन दिस पिक्चर। तो जो भी आपको पिक्चर में चाहिए तो आपको उसको यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट करेंगे, वो वहाँ पर फोटो को क्रॉप कर लेगा उसका। तो ये फोटो क्रॉप करने के लिए काम आता है, ठीक है। उसके बाद है फेस इफेक्ट्स, जो भी अगर आपको फेस के इफेक्ट्स डालने हो तो इफेक्ट्स डालने के लिए काम आता है। स्मूथनेस, टोन, जावा लाइन्स, फिक्स लाइन, ये सब पहले ही थे, बस अभी उसके अंदर उसकी सेटिंग्स चेंज कर दिए गए। स्पॉट्स कलर, जो भी कलर आपको यहाँ पर चाहिए उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, वो कलर वहाँ पर हाईलाइट होता रहेगा, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट रहेगा, तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे कलर मिक्स का ऑप्शन मिलता है, जो भी कलर्स को आपको यहाँ पर मिक्स आउट करना है या चेंजेस करना है तो आपको कलर को यहाँ पर चेंज या कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे यहाँ पर मिलेगा आपको स्टाइल। स्टाइल के अंदर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे प्री डिफाइंड, आपको उन इफेक्ट्स में से किसी को भी लगाना हो तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी पिक्चर पर ही लगेगी, जो पोर्ट्रेट पर ही लगेगा, बाकी सब जगह वो इफेक्ट्स काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मेन चीज़ ये है कि पहले तो आपको तब एडिट करने जा रहे हैं गैलरी अपडेट करने के बाद, तो उसके यहाँ पर पूरा चेंजेस कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल रहा है, क्रॉप कर सकते हैं, ये क्रॉपिंग में कोई चेंजेस नहीं है, सब वैसे ही है। यहाँ पर इफेक्ट्स मिल रहे हैं जो कि पहले ही मिलते थे, इफेक्ट सब आपको यहीं के यहीं मिल रहा है। उसके बगल में आपको लाइट्स बैलेंस, ये पूरे ऑटो बैलेंस सब की बैलेंस करने के लिए मिल जाएगा। एंड देन लास्ट में आपको यहाँ पर स्टिकर्स का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ओवरऑल सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है कि ताकि आप क्विकली और इजीली अपने फोटो को इजीली एडिट कर सके, तो उन सबको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो उसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो हमें डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, इतना सुख कर ही लोगे तो मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।